हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ रोज़ का मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क। तो ये मास्क तो मैं पहले ही आपके साथ में अपलोड कर चुकी हूँ, इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा मुझे लगा था। मैं इसे ऑलरेडी कई बार परचेज करके यूज़ भी कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में नया क्या है, आज के इस वीडियो में नया है कि ये रोज़ का मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क DIY करने जा रही हूँ मैं आपके साथ में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शीट मास्क को DIY कैसे बनाना है घर पे अपने आप से, ये मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको बिल्कुल ज़रा सा भी ये DIY पसंद आता है तो। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इसी तरीके की बहुत सारे ब्यूटी फैशन रिलेटेड या फिर DIY से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। एंड दो वीडियोस पहले मैंने एक आइसक्रीम को भी आपके साथ में शेयर किया था। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर वो आपको कैसी लगी, या आपके लिए कोई और सजेशंस हैं, आपके पास कोई और सजेशंस हैं मेरे लिए तो बिल्कुल आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से बता दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। ये है रोज़ का मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क। ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, एम्प्टी है ये, इसके अंदर शीट मास्क पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये यूज्ड है, इसके अंदर बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है, आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर से सूखा हो रहा है, ये यूज्ड है। शीट मास्क मैंने बचा के रखा था क्योंकि मुझे इसको DIY करना था, रीयूज़ करना था। कैसे करेंगे अब ये मैं आपको इसमें बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले मैं ये लेने जा रही हूँ रोज़ एंड मलबरी जेल, जो 300 ग्राम की क्वांटिटी है। इतना बड़ा सा टम्बलर है, आप देख सकते हैं 300 ग्राम से, कुछ इस तरीके का ये अंदर से दिखता है, रेड कलर का, और इसकी फ्रेग्रेंस ऑसम है। मतलब खोलते के साथ ही वाओ फ्रेग्रेंस है, इतनी अच्छी खुशबू है, लगता है जैसे कि हम रोज़ गार्डन में बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यूज़ हो चुका है ये। ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, इतना बड़ा टम्बलर है, ऑब्वियसली जल्दी तो नहीं फिनिश होने वाला है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, इस जेल को यूज़ करेंगे इस शीट मास्क को बनाने के लिए। साथ ही साथ में हमें चाहिए होगा इसको लिक्विडिफाई करने के लिए टोनर। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ ये मलबरी का ग्लो टोनर, जो कि गुड वाइब्स का है। साथ में हमें चाहिए है एक खाली कंटेनर, तो मैं यहाँ पर इस कंटेनर को यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि ये यूज़ हो चुका है, खाली है मेरा, एम्प्टी है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो घर की कोई कटोरी भी ले सकते हैं, कटोरी चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस एम्प्टी टम्बलर को यूज़ कर रही हूँ और ये इस स्पून को यूज़ करने जा रही हूँ इस DIY के लिए। ओके, इसको आपने कई बार देखा होगा, ऑलमोस्ट ये मेरे हर एक DIY में ये कंटेनर ज़रूर होता है, तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें ज़रूर पता होगी ये चीज़। चलिए देखते हैं तो इसको हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसमें से थोड़ा सा जेल निकाल करके इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। बहुत ही थोड़ा सा लेंगे, क्यों हम बहुत सारा चाहिए ही नहीं है। ये देखिए, थोड़ा सा जेल लिया है, इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, ठीक। और बहुत सारा तो हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि हमें तो उसको शीट मास्क को लिक्विड फॉर्म में जैसे कंसिस्टेंसी रहती है 20 ml के अराउंड इसमें रहता है, तो वही चीज़ हमें डालनी है। एंड वाह, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, खोलते के साथ ही मज़ा आ जाता है इसको खोलते ही। ओके, ये है टोनर, ये टोनर मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रे करने जा रही हूँ। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्योर रोज़ वाटर आता है या किसी और कंपनी का रोज़ वाटर आता है। अगर आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है इसमें ये लिक्विड आ रहा है। इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा टोनर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल लिक्विडिफाई फॉर्म में करना है। आपके पास में अगर एसेंशियल ऑयल है और आपको डालना है तो आप वो एसेंशियल ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, उसकी भी कोई इशू नहीं है। जितनी चीज़ें आप इसमें डालना चाहें आप बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए, अनकट वर्जन है, आपके सामने ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बिल्कुल। आपको क्या करना है, इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है, जैसे कि ये जो इसमें इस तरीके से ये जो लम्प्स दिख रहे हैं ना, ये जो टुकड़े टुकड़े से दिख रहे हैं, ये ना रह जाएं। ये प्रॉपरली मिक्स हो करके एकदम लिक्विडिफाई फॉर्म में बन जाए, जिससे कि हमारा जो शीट मास्क है वो इसमें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले इस चीज़ को। अब देखिए, इसको मिक्स करते टाइम पे मुझे इसकी कंसिस्टेंसी में लग रहा है कि थोड़ा सा और लिक्विड होना चाहिए है, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसमें टोनर और डाल रही हूँ। ये चीज़ आपको अपने हिसाब से चेक करनी पड़ेगी कि कितना लिक्विड आपको करना है और किस हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी है, तो कम ज़्यादा उसी हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। ये आपको पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा, पूरा लिक्विडिफाई फॉर्म में हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है।
देखिए ये कुछ इस तरीके का हो गया है। इसमें मुझे थोड़ा सा और टोनर डालना पड़ा था इसको लिक्विडिफाई करने के लिए। देख लीजिए अब ये बिल्कुल सही हो गया है, इसमें लम्ब्स भी नहीं रह गए हैं एंड ये बिल्कुल आराम से इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो गई है, देख रहे हैं आप। अब इसको हमें शीट मास्क में कैसे यूज़ करना है वो आप देख लीजिए किस तरीके से यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपको तुरंत ही इसको अप्लाई करना है तो आप उसको शीट निकाल करके, इसका जो शीट मास्क है इसको निकाल करके उसके ऊपर इस जो लिक्विड हमने बनाया है पूरा अच्छे तरीके से शीट मास्क पर स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद अपने फेस पर उसको लगा लीजिए। एज ऑलवेज 20 to 20 मिनट्स रखना होता है वो आप रख सकते हैं। अगर आपको इसको बाद के लिए बना करके रखना है तो आप इस लिक्विड को इस पैकेट के अंदर ही पोर कर दीजिए, जैसे कि हमें मार्केट से मिलता है, जैसे कि परचेज करते हैं तो इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है एंड शीट जो है इसकी पूरी एब्जॉर्ब रहती है उसी लिक्विड में। वो हम सिर्फ शीट निकाल करके यूज़ कर लेते हैं जब हमें चाहिए होता है। वैसा बनाना चाहते हैं तो इस लिक्विड को आप इसके अंदर पोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिक्विड इसके अंदर पोर करना है तो आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कम पड़ेगा इस तरीके से, ये तो काफ़ी कम पड़ेगा। अगर आपको लिक्विड पोर करके रखना है आगे के नेक्स्ट यूज़ के लिए तो आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ओके, मैं अब शीट मास्क निकाल करके आपको स्प्रेड करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से उसको स्प्रेड करना है। तो देखिए ये शीट मास्क मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल सूखा हुआ है क्योंकि यूज्ड है ये, ऑब्वियसली बात है तो सूखा ही होगा। तो इसमें मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इस लिक्विड को इसमें इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी जो भी मैंने इसको तैयार किया है। इसमें पूरे शीट मास्क पे अच्छी तरीके से लगा देंगे। आप अगर चाहें तो इसको किसी चीज़ पे रख करके, प्लेट पे रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। एक्चुअली इस समय मेरे पास में प्लेट मैं लाना भूल गई, वीडियो शूट करने बैठ गई हूँ तो मैं इसी तरीके से आपको दिखा दे रही हूँ। वरना आप इसको इक्वली स्प्रेड करने के लिए किसी बेस पे रख के करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये स्प्रेड हो जाएगा। तो मैं इसको इसको पूरी अच्छे तरीके से इस पर लगा करके स्प्रेड कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये ऑलमोस्ट इस तरीके से पूरा ये स्प्रेड कर दिया है मैंने। अब इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने का टाइम देना है, इसलिए हम इसको नॉर्मली वैसे ही फोल्ड कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा शीट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जब ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा तभी हमारे फेस पे अच्छी तरीके से ये लग पाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड कर दे रही हूँ जैसे कि ये मार्केट से जब आता है हमें रिसीव होता है 3-4 लेयर में। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है एंड मैं इसको वापस से इसी पैकेट के अंदर डाल रही हूँ जैसे कि ये जो इसके अंदर मैंने एब्जॉर्ब होने के लिए रखा है ये एवोपरेट ना हो जाए। गर्मी इतनी हो रही है ये एवोपरेट ना हो जाए और ये इसके अंदर ही रहेगा और ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो इसमें बचा हुआ है वो मैं इसी के अंदर इसको ही पोर करने जा रही हूँ, पोर करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने जरा सा इसमें और डाल लिया है और ये मैं इसको इसके अंदर पोर कर रही हूँ। ये देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है ये पूरा पोर कर दिया है। अब इसको मैं पोर करने के बाद में, पूरा डालने के बाद में, ये पूरा मैं इसके अंदर से ट्रांसफ़र कर दूंगी इसके अंदर एंड इस लिक्विड को मैं इसके अंदर शीट मास्क के अंदर एब्जॉर्ब होने दूंगी जिससे कि ये प्रॉपरली लगाने लायक हो जाए। तो इसको हम मैं इस तरीके से डालने के बाद में ये ऊपर से इसको फोल्ड करके मैं दबा कर रख देने वाली हूँ इसको फॉर हाफ एन आवर एटलीस्ट, जिससे कि ये अच्छे तरीके से सोक इन हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। शीट के अंदर सारी जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं वो सब इसके अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएँ और उसके बाद में फिर मैं इसे आराम से यूज़ कर पाऊँ। तो ये था मेरा DIY शीट मास्क जो कि मैंने बनाया, रोज़ का मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क। अगर आप चाहें तो आप इसी तरीके से और भी चीज़ों के शीट मास्क बना सकते हैं। आपके पास में अगर एलोवेरा जेल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा का शीट मास्क बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके के जेल्स नहीं हैं और फिर भी आप शीट मास्क बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। कैसे बताती हूँ आपको, अगर आप चाहें तो आलू तो सबके घर में ही रहता है, आलू का स्टार्च वाला जो शीट मास्क होता है वो आप बना सकते हैं अपने पास। शीट मास्क अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास वाइप्स ज़रूर होंगे जो फेस वाइप्स होते हैं, अगर वो भी नहीं है तो कॉटन होगा घर में। कॉटन को आप अपने फेस के हिसाब से लेकर के उसमें आईज नोज माउथ का एरिया कट करके उसको इसी तरीके से आप DIY बना सकते हैं। आपको सिर्फ एक बेस चाहिए जो कि आप अपने फेस को कवर अप करके रख सकें जिससे कि आपको जो भी चीज़ें हैं उसके अच्छे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो ये काम आप किसी भी चीज़ के साथ में DIY कर सकते हैं। अगर आपको राइस वाला बनाना है शीट मास्क वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, चावल हर किसी के घर में रोज ही बनते हैं। उसका जो माड़ वाला पानी होता है उस पानी को आपको अलग निकाल के रख लेना है, ठंडा होने देना है, शीट को आपको उसमें डुबा के रखना है एंड देन आपको उसको यूज कर लेना है। और स्टार्च वाला जैसे मैंने बताया पोटैटो का, तो आलू का जो स्टार्च होता है वो निकाल के आपको पानी में अलग रख लेना है, हल्के से पानी में उसको मिक्स कर लेना है प्रॉपरली। मिक्स करने के बाद में शीट को उसमें डाल के डुबा के रखना है, शीट जब अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले सारे उसके न्यूट्रिएंट्स को तब आपको उस शीट को यूज़ कर लेना है। तो DIY शीट मास्क करने की बहुत सारे
तरीके हैं, बहुत सारी खूबियाँ भी हैं इसकी शीट मास्क की, सभी जानते हैं। आजकल जो गर्मियों के दिन हो रहे हैं, इतने चिपचिपे से गंदे से, जो स्पेशली जो किचन में पूरा दिन काम कर कर के जो आपके फेस पे बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, या गर्मी की वजह से या स्वेटिंग की वजह से जलन होने लगती है, इचिंग होने लगती है, उन सब चीज़ों में ये सब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो आप भी बिल्कुल से बनाइए शीट मास्क घर में, DIY करिए तरह तरह से। एसेंशियल ऑयल्स अगर आपके पास में है तो इसमें एक बूंद एसेंशियल ऑयल भी आप डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी। टोनर नहीं है आपके पास में तो आप रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हैं। जेल्स नहीं है तो उसके लिए आप घर के किसी भी DIY को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, आपको जो सब पसंद आ रहा हो आप उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लेकर के आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।